प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मोस मान आरत नहीं समान आरत नहीं। आरती हर तो सो तू दयाल दीन हो। तुलसी कृपाल चरण शरण आवे तू दयाल दीन हो। तू दान हो भिखारी तू दयाल दीन हो। तू दयाल दीन हो तू दया मेरा माखन
छुराता है, ये लड़ता है, झगड़ता है, मुझे प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी
तिरुपतिं भज विश्वनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददाशि। दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। कान्तिः शितां रसदिनिन्दितशारदेन्दुं यत्रैकतो विलसितां अशिताङ्गशोभां। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगुलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगुलं तदहं नमामि। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्देऽनिलात्मजम्। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रो माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुण्डरं। मुकुन्द माधव गोविन्द बोलो। मुकुन्द माधव गोविन्द बोलो। केशव माधव हरि हरि बोलो। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल शिव शिव बोल। राम राम बोल शिव शिव बोल। कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल। कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। वासुदेव बनवारी वासुदेव बनवारी
केशव वासुदेव बनवारी, केशव वासुदेव बनवारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, हरि जपित कतहु न डोल, हरि जपित कतहु न डोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। समागत ब्रह्म स्वरूप भगवत कथा अनुरागी भक्तगणों, श्रद्धामयी भक्त स्वरूपा माताओं बहनों, अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण की महती कृपा दृष्टि से पुष्पज नगर यशोदा नगर की पवित्र धरा पर कलिकलमश विध्वंसिनी त्रिताप मोचनी भक्ति मुक्तिदायिनी हरि कथा अमृत श्रोतस्विनी श्रीमद्भागवत रसामृत कथा का पान कर रहे हैं। समस्त देवता समस्त धाम इस पावन परिसर में विराजमान हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कृष्णा कावेरी पंचमहानद हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वरम अयोध्या कांची वृंदावन प्रयागराज सभी धाम सभी देवता देवी विराजमान हैं। हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति है। जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छाड़ी के मैं आयूं तेरे द्वार हे वृषभानु नंदिनी अब मेरी ओर निहार लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक मयंक के हे प्रभु सीताराम। धन्य भूमि यह धन्य है जहाँ साधु सत्संग धन्य क्षेत्र यह धन्य है जहाँ हरि कथा प्रसंग कथा श्रवण हित आइए तजि माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। श्रोता अपने भवन से भागवत श्रवण हेतु
एक एक पग जब आगे बढ़ाते हैं तो करोड़ों यज्ञों का उन्हें फल प्राप्त हो जाता है। सभी देवता देवी पधार चुके हैं, हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति है। पशुपति नगर यशोदा नगर के देवता देवी अभी नहीं पधार पाए, उनका व्यासपीठ से हम आवाहन करते हैं, आप पधारिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पावन प्रसंग है, ये भागवत भगवान कृष्ण का शरीर है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि, भागवत श्री हरि का साक्षात श्री विग्रह है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय में द्वादश अक्षर है, ये भागवत का बीज मंत्र है और एक एक अक्षर पर एक एक स्कंद की रचना हुई है, इसलिए भागवत में 12 स्कंद हैं। और ये भागवत भगवान कृष्ण का शरीर है, साक्षात स्वरूप। भागवत का प्रथम स्कंद भगवान कृष्ण का तलवा है, भागवत का द्वितीय स्कंद भगवान कृष्ण का गुल्फ है, एड़ी और घुटने के मध्य का भाग, और तृतीय स्कंद घुटना है, चतुर्थ स्कंद जंघा है, पंचम स्कंद कटी है और अष्टम स्कंद उदर है, सप्तम स्कंद हृदय है, अष्टम वक्षस्थल है, नवम भुजाएं हैं और दसम स्कंद भगवान का प्यारा मुखारविंद है और एकादश स्कंद ज्ञान का प्रतीक ललाट है और द्वादश स्कंद मूर्धा है। इस प्रकार ये द्वादश स्कंद ही भगवान के द्वादश अंग हैं, जिनमें दशम स्कंद मुख है, मुख की कथा चल रही है, मुख का दर्शन आप कर रहे हैं कथा के माध्यम से, और उसमें राजपंचाध्यायी की कथा तो भगवान के प्राण है, पंच प्राण है, ये पांच अध्याय पांच प्राण है भगवान के, जो पांच प्राण होते हैं, प्राण व्यान उदान समान अपान, तो पंच प्राण है भगवान के, प्राण है राजपंचाध्यायी में। ऐसी अनुपम अलौकिक दिव्यादि दिव्य रश्मयी आह्लादिनी आनंददायिनी कथा, प्यारे भक्तों आप श्रवण करें। सुखदेव जी गंगा मैया के पावन तट पर वीतराग परीक्षित, जो सब कुछ छोड़ करके कथा श्रवण करने बैठे हैं, उन्हें और ऋषि मंडली के और श्रोताओं के मध्य में सबको कथा सुना रहे हैं राजपंचाध्यायी श्री सुकुवाच। सुखदेव जी बोले, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रितः। रासलीला की कथा का शुभारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा भगवान अपि, ये अपि शब्द उनके बड़प्पन का प्रतीक है, भगवान भी आज लीला करेंगे। भगवान किसे कहते हैं तो विष्णु पुराण में कहा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सहस्रियः ज्ञान वैराग्यो पूर्णा खंड भग इति रितः, जिसमें समस्त ऐश्वर्य पूर्ण हो, ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य जिसमें पूर्ण धर्म हो, यश हो, श्री लक्ष्मी हो, ज्ञान और वैराग्य से जो पूर्ण हैं, ये छह ऐश्वर्य जो हैं दिन में हैं वो भगवान हैं। तो भगवान तो एक हैं, वो ब्रह्म है, वही राम है, वही कृष्ण है, सुंदर भी इनके समान कोई नहीं, सुंदरता का ऐश्वर्य कितने सुंदर है राम कृष्ण हो, राम काम
सबसे सुंदर कौन है? कामदेव। राम जी कितने सुंदर हैं? बोले राम काम शतकोटि सुभगतन, राम काम शतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि सरिस हरि मर्दन, दुर्गा कोटि सरिस हरि मर्दन। 100 करोड़ कामदेव से भी अधिक सुंदर हैं राम और कृष्ण, और 100 करोड़ दुर्गा से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उपासना वो दुर्गा जी की करते हैं। दुर्गा कोटि सरिस हरि मर्दन, पालन करता है विष्णु कोटि सम पालन करता, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघर्ता, रुद्र कोटि सत सम संघर्ता, करोड़ों विष्णु के समान पालन करने की शक्ति है रामकृष्ण में, और करोड़ों शंकर जी के समान संहार करने की शक्ति है। चतुरता कितनी है? बड़े सरल है, लेकिन चतुर कितने हैं? बोले शारद कोटि सरिस चतुराई, शारद कोटि सरिस चतुराई, कोटि विरंची सृष्टि निपुनाई, कोटि विरंची सृष्टि निपुनाई, करुणो सरस्वती जैसी बुद्धिमत्ता और चतुराई और विद्या ज्ञान है, तो करुणो ब्रह्मा जैसी सृष्टि की निपुणता। धनवान कितने हैं? धनद कोटि सत सम धनवाना, धनद कोटि सत सम धनवाना, करुण कुबेर के समान धनवान है। धनद कोटि सत मन 100 करोड़, धनद कोटि शत सम धनवाना, धनद कोटि शत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। इतना सब कहने के बाद भी कहना पड़ा, फिर भी हम राम और कृष्ण की महिमा गा नहीं सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, राम अनंत अनंत गुणानी, राम अतर्क्य कर्म मन बानी, राम अतर्क्य कर्म मन बानी। तो भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं, पूर्ण ब्रह्म है भगवान कृष्ण। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सक्षम स ईश्वर, ईश्वर है। तो भगवान शब्द का प्रयोग हुआ, और फिर आगे अपि लगाया, अपि माने भी, भगवान होकर भी लीला करने आए, ये उनके बड़प्पन का प्रतीक है, वो पूर्ण काम है, तथापि वो लीला भक्तों के लिए कर रहे हैं। अपि जहां लगे समझो वहां महानता है। गीताश्री में कहा अजोपि सन गया आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवाम में आत्ममाय, अजोपि जन्मा होने पर भी सन व्याय आत्मा प्राणी मात्र की आत्मा होने पर भी भूतानाम ईश्वरोपि सन प्राणी मात्र के ईश्वर सन माने होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीर बना करके भगवान कहते संभवामि आत्ममाया, अपनी माया से इच्छा अनुसार में अवतार लेता। तो भगवान अपि तारात्रि रात तो एक ही है, शरद पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा की रात है, एक रात है,
लेकिन यहां दोनों बातें बहुवचन की है। ता सह तव ता रात्रि रात्रौ रात्रि ही बहुवचन बहुत सी रात्रि वो बहुत सी रात्रि भगवान पिता रात्रि ही भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात को बहुत बड़ा बना दिया। 1000 चतुर्युग के बराबर विशाल बना दिया। कितनी बड़ी रात बनाई, एक रात्रि बराबर 1000 चतुर्युग, चारों युग 1000 बार घूम जाए, इतनी बड़ी रात बनाई। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर रात्रि बनाई है गोविंद ने, ब्रह्म रात्रि मुपा वृता, ऐसी सुंदर रजनी बनाई है भगवान ने। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है तो शरद कालीन मल्लिका चमेली के प्रसून यमुना के तट पर खिले हुए हैं। शीतल मंद सुगंध पवन चल रहा है, यमुना की धार कल कल छल छल करके बह रही है, पक्षियों का कलरव हो रहा है, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, चंद्रमा की ज्योत्सना आज रमण रेती में रजताभा का आभास करा रही है। रजताभा मानो चांदी की परत बिछी हो, और बहुत सुंदर पर्यावरण है प्रकृति की, स्वर्ण क्रीड़ा स्थली वृंदा विपिन। भगवान ने देखा शरदोत्पल मल्लिका वीक्ष, भगवान ने देखा, और देखना वेद में कई बार आया, साईक्षत ईक्षण है, साईक्षत एकोहम बहुश्याम। वेद ने कहा, भगवान ने आज विचार किया, मैं एक से अनेक बनूंगा। तो वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे, रंतुम रम धातु में तुमन प्रत्यय लगने पर रंतुम की क्रिया का निष्पादन होता है, निष्पत्ति होती है, रमण करने के लिए। भगवान आज रमण करना चाहते हैं, किसके साथ? गोपिकाओं के साथ। गोपिकाएं कौन है? वो उन्हीं की आत्मा है। गोभीर पायते ऐसा गोपी, जो अपनी गो माने इंद्रियों से प्रभु को प्राप्त कर ले, उनका नाम गोपी है। गो माने इंद्रियां, पी माने प्राप्त करे, जो अपनी इंद्रियों से भगवान को पाले। भगवान को ध्यान के विषय हैं, लेकिन ये इतनी भाग्यशालिनी कि इन्होंने हाथों से भगवान को स्पर्श किया, हाथों से उन्हें छुआ है, कानों से सुना है, नेत्रों से देखा है, इंद्रियों से प्राप्त कर लिया है गोविंद को। इसीलिए तो इनका नाम गोपी, गो माने इंद्री, पी माने प्राप्त करें। गोपी गोभीर पिबत कृष्ण रसम, गो माने इंद्रियां, पी माने पान करें। इंद्रियों से कृष्ण के रस का पान किया है, कानों से कृष्ण रस का पान करती है, इसलिए गोपी है। अगला अर्थ है गोपायते कृष्णम निज हृदय आशा गोपी, जो कृष्ण को अपने हृदय में छिपाए रखती है, इसलिए उसका नाम गोपी, गोपन क्रिया करती गोपी। तो अपनी गोपिकाओं के साथ आज रासलीला करने जा रहे हैं, और गोपी उन्हीं की आत्मा है, जीवात्मा है। भगवान कृष्ण ब्रह्म है, नारायण है, ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला का नाम रासलीला है। गोपी जीव कृष्ण ब्रह्म और उनका साक्षात्कार मिलन जो हुआ है, उसी को सुखदेव जी रासलीला के रूप में वर्णन करते हैं। योग मायाम उपाश्रिता, भगवान ने योग माया का स्मरण किया। योग माया शब्द आया, योग माया कौन है? योग माया है राधा जी।
ये उद्भव स्थित संहार कारिणी है, क्लेश हारिणी है, सर्व श्रेयस्करी है, ये मूल प्रकृति है, चित शक्ति है। राधा जी, राधा जी का भगवान ने आश्रय लिया। राधा कृष्णेन आराध्यते यासा राधा, कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं ऐसी राधा। कृष्णेन आराध्यते, कृष्ण के द्वारा आराधना की जाती है जिनकी, ऐसी राधा। दूसरा अर्थ बतावें, आराधयति कृष्णम यासा राधा, जो कृष्ण की आराधना करती है वो राधा। रा पाप नाशक शब्द है, धा मोक्षदायक है। रा कहते ही पाप नष्ट हो जाते हैं, धा कहते ही मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसी राधा। ये कीर्ति इनकी माँ है और वृषभानु जी इनके पिता हैं। इनकी कीर्ति का वर्णन शेष महेश गणेश नहीं कर सकते। कीर्ति कीर्ति कुंवरी की, कही कही थके गणेश, सहस मुखन वर्णन करत पारन पावत शेष, ऐसी राधा है। लेकिन प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में कहीं भी राधा का नाम नहीं लिखा व्यास भगवान ने, जबकि राधा के बिना कृष्ण का नाम भी पूरा नहीं होता, वो पूर्ण होते भी अपूर्ण लगते हैं। लेकिन राधा का नाम नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि राधा सुखदेव जी की इष्ट हैं और इन्हें गुरुमंत्र में मिला है श्री राधे। गुरुमंत्र सबके सामने जोर से बोला नहीं जाता, एक बात ये। दूसरे राधा में इतना प्रेम है कि राधा कहते समाधि में चले जाते हैं। राधा उच्चारण मात्रेण खड मासो मूर्छितो भवेत, मूर्छित हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। जब इनके मुख से राधा कदाचित निकल जाए तो समाधि में चले जाते हैं, न जाने कब समाधि टूटे। व्यास जी ने विचार किया कि आगे चलकर ये सप्ताह भागवत राजा परीक्षित को सुनाएंगे, और सात ही दिन परीक्षित के जीवन में है। अगर राधा लिख दिया और इन्होंने कह दिया श्री राधे, तो फिर इस समाधि में चले जाएंगे और इस सप्ताह की भागवत कथा परीक्षित जी कैसे सुन पाएंगे, इसलिए राधा नहीं लिखा। राधा जी के पर्यायवाची लिखे, विशेषण लिखे, योग माया। योग माया राधा जी का ही पर्याय है, योग माया लिखा, नाम न लेकर के विशेषण लिख दिया। वरिष्ठम सर्वयोषिताम लिखा एक जगह, सभी गोपिकाओं में श्रेष्ठ। अनया राधितो नूनम भगवान हरि हरीश्वरः लिखा, हरिहरीश्वर की आराधिका है राधा। तो राधा का भगवान ने आश्रय लिया और रासलीला के लिए प्रस्तुत हो गए। रसो वैसा रासा, राधा कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का रास इरास रस समूह जहां घनीभूत हो गया है, ऐसा रास लैनम लातियासा लीला, जो प्रभु के चरणों में लीन कर दे उसका नाम लीला है। लीनम लात यासा लीला, जो छिपे हुए प्रेम को प्रकट कर दे उसका नाम लीला है। प्रेम भीतर छिपा है, कथा के माध्यम से प्रकट हो जाता है। प्रेम छिपाए ना छिपे, जाघट परघट होए, बैनन से जो ना कहे तो नैन देत है रोय। नेत्रों से सुधारा के रूप में भक्ति प्रवाहित हो जाती है, ऐसी भगवान की लीला। आज भगवान लीला करने के लिए रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना जी के तट पर विराजमान है। त्रिभंगी ललित लावण्यमयी छटा से एक चरण पर एक चरण चढ़ाए, अपने अधरों पर
मुरली सुशोभित किए हुए तिरछे खड़े हैं, ये बाके हैं। तिरछा है किरीट, उधो ने एक बार गोपिकाओं से कहा कि कन्हैया को निकाल दो, बोली सीधा होता तो निकाल देती, ये तो तिरछा है बाके है। तिरछा है किरीट फसावुर में, तिरछा बनमाल पड़ा रहता है, तिरछा बनमाल पड़ा। तिरछे दृगतान कदम्ब तरे, तिरछे दृगतान उसे कैसे निकाले हृदय से, अरे यहाँ तिरछा घनश्याम फंसा रहता है। तिरछा घनश्याम फंसा रहता है, बाकी बिहारी है ना, बोलो बाकी बिहारी भगवान की। आज बाकी बिहारी यमुना के तट पर खड़े हैं, चर्चा का विषय हो गया। आज ठाढ़ोरी बिहारी देखो यमुना तट पे, 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 ठाढ़ोरी बिहारी देखो यमुना तट पे, कोई जइयो ना अकेली आज पनघट पे, कोई जइयो ना अकेली आज पनघट पे, आज ठाढ़ोरी बिहारी देखो यमुना तट, आज ठाढ़ोरी बिहारी देखो यमुना तट पे। बिहारी जी खड़े हैं यमुना तट पर, मुरली अधरों पर है, प्राची दिशा में चंद्रोदय हो गया है और पूर्णिमा का चंद्र है, शरद पूर्णिमा का। ये उद्गणों का राजा है, नक्षत्रों का राजा है, व्यास भगवान लिखते हैं। ततो दुराजा ककुभा करैर मुखम प्राच्या बिलिंबन अरुणेन संतमय, सचर्षणी नाम उदगात सुचो मृजन प्रियं प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः। तदो उड़ राजा, उड़गना नाम राजा, नक्षत्रों का राजा, नक्षत्रों का राजा चंद्रमा प्राची में शरद पूर्णिमा का चंद्र प्रकट है। ककुभा करैर मुखम, अपने किरण रूपी करों के द्वारा प्राच्या बिलिंपन अरुणेन शंतमय, प्राची दिशा रूपी नायिका के कपोलों पर कुमकुम मल दिया। यहां व्यास भगवान ने श्रृंगार रस का वर्णन किया, चंद्रमा को बताया नायक और पूरब दिशा को बनाया नायिका, और कहा कि ये चंद्रमा प्रियं प्रियाया, ये प्रिय है और वो प्रिया है, वो दीर्घ दर्शन। बहुत समय के बाद शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आए हैं, उदय हुए हैं, तो सुचो मृजन क्रोध में बैठी है प्राची दिशा, तो भगवान चंद्रमा चंद्रदेव उसके क्रोध का शमन करने के लिए उसके मुख पर कुमकुम मल रहे हैं। अर्थात भाव ये है, जब चंद्रोदय हुआ तो लालिमा छा गई, प्राची की दिशा लाल वर्ण की हो गई। तो अलंकारिक शैली में व्यास जी ने लिखा कि वो चंद्रोदय हुआ तो चंद्रमा ने प्राची के मुख पर कुमकुम मल दिया है,
और इसी माध्यम से महर्षि भगवान वेद व्यास ने चंद्रवंश में समुत्पन्न भगवान कृष्ण के वर्तमान पूर्वज चंद्रमा के हाथों से रासलीला का उद्घाटन करा दिया। चंद्रमा के द्वारा रासलीला का उद्घाटन करा दिया और उस समय आज प्राची की दिशा लाल वर्ण की हो गई। भगवान ने देखा चंद्रमा को, दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम वनम च तत कोमल गोभिरंजितम जगौकलम वाम दृशाम मनोहरम। दृष्ट्वा कुमुदवंतम, कुमुदवंतम कुमुदों को खिलाने वाला है चंद्रमा। कुमुदनी रात में ही खिलती है, एक कुमुद कामत है, कुमुदनी खिलती है चंद्रमा के प्रकाश में। दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम, चंद्रमा का मंडल आज अखंड है, परिपूर्ण बिंब है चंद्रमा का। रमाननाभम, चंद्रमा कैसा लगा है भगवान कृष्ण को? रमा धन आनंद धन आभम रमाननाभम, रमा के आनंद की आभा चंद्रमा में है। रमा कौन है? श्री राधा। ऐसी रमा महालक्ष्मी आद्या भगवती मूल प्रकृति, उनके आनंद की आभा ही चंद्रमा में है, उन्हीं की कांति से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है।